कुछ नहीं हुआ, जान पहचान का ही कोई आया है जिसने करा है। चाकू से मारा गया, उनका पेट बिल्कुल काट दिया, दो हिस्सों में कर दिया गया और मदर की भी वो गर्दन हटा दी गई। गर्दन तो उनकी दिखी नहीं रही थी कहाँ पर गिरी हुई है, बच्चों ने देखा था, उनको पता नहीं चला कि दादी की चेहरा कहाँ पर है। बहुत बुरी तरह से मारा गया उनको। क्या आपने किसी अपने को एक्सीडेंट में खोया है? अगर हाँ, तो आप भी छिपे हुए बीमा क्लेम के द्वारा परिवार की मदद कर सकते हैं। भारत क्लेम्स ऐप को डाउनलोड करें और आज ही करें क्लेम अपनी हिडन इंश्योरेंस। नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। फिलहाल हम वेलकम के सुभाष पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पर दो महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दिया जाता है, ये उनके परिवारजनों से बातचीत करते हैं। आखिर क्या हुआ तक मैम आप लोगों को पता चला? मेरी मम्मी की और मेरी भाभी की डेथ हुई है। अच्छा, तो आपको कब पता चला? मुझे भी सुबह 4 बजे पता चला है। मैं द्वारका में रहती हूँ, मुझे 4 बजे पता चला। बच्चों ने, मेरे भतीजों ने मेरे को फ़ोन करके बताया कि मम्मी और दादी का हो गया है। तो किस प्रकार उनकी हत्या की गई थी? चाकू से मारा गया था या फिर? चाकू से मारा गया, उनका पेट बिल्कुल काट दिया, दो हिस्सों में कर दिया गया और मदर की भी वो गर्दन हटा दी गई। तो आसपास कोई कैमरा मौजूद नहीं था जिसमें पता चल पाया हो कौन आया है क्या? नहीं, अभी हम लोग अभी नहीं थे इस टाइम पे, और वैसे भी अभी इतनी पता नहीं हमें, क्योंकि बच्चे आए थे वो घबरा गए थे देख के बॉडी को, तो इतनी ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है कि किससे क्या हुआ है। बस इतना पता है कि उनकी डेड बॉडी थी एक नीचे और एक फर्स्ट फ्लोर पर, बस इतनी ही कन्फर्मेशन है, क्योंकि हमें भी इतनी ही मिली थी, क्योंकि अभी बच्चे आए थे एकदम से अपनी छुट्टी के वेकेशन के बाद, और उसके बाद जैसे ही देखा तो डेड बॉडी मिली थी, तो इसलिए हम इतना ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं कर सकते। तो घर पर सिर्फ वही दो लोग थे, बाकी और कोई पे नहीं? उस टाइम सिर्फ मेरी नानी और मेरी मामी थी बस, बाकी सभी लोग बाहर गए हुए। दो जने हैं मेरे भाई हैं दोनों, वो दोनों वेकेशंस पे गए। वो जब सुबह आते हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई है ऐसा, और फिर रिसेंटली उन्होंने मेरी सिस्टर को कॉल किया, जो कि मेरी सिस्टर है, उन्होंने कॉल किया और उनको कन्फर्मेशन किया, फिर दीदी ने मेरी सब माँ गए सब यहाँ पर। आसपास के लोगों को भी पता नहीं चला कि यहाँ पे ऐसी घटना हो गई? ऐसे पता नहीं चल सकता ना, क्योंकि गेट ऑफ है, और कैसे कंसर्न कर सकते हैं कि कुछ भी हो। गेट का लॉक तोड़ा गया था या फिर कुछ भी? ऐसा कुछ नहीं है, फ्रेंडली है, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा कि गेट लॉक कुछ नहीं हुआ, जान पहचान का ही कोई आया है जिसने करा है। अंदर से कुछ सामान वामान बिखरा हो या फिर चोरी वोरी? अभी तक हम कोई भी अंदर नहीं गया है। अभी कोई भी नहीं अंदर गया है, क्योंकि डेड बॉडी है और उसकी इतनी कम्फर्टेबिलिटी नहीं है कि कोई अंदर घुस सके। एक्चुअली वी हैव केम फ्रॉम चंडीगढ़, वी डोंट हैव द नॉलेज अबाउट दिस थिंग। बाय मॉर्निंग 4 o'clock आई गॉट द कॉल फ्रॉम दिल्ली from my sister-in-law's daughter. She told us, both the my mother-in-law and my sister-in-law both are murdered here. तो उसमें उसी समय हम लोग आ गए हैं, बाकी अब ये पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है क्या नटशल निकलता है। इट विल टेक सम टाइम, ये भी देख के गए हैं अपना, ये अपना क्राइम ब्रांच वाले भी आ गए हैं, फॉरेंसिक वाले भी होके गए हैं, बाकी ये दे ऑल आर वेरी हेल्पफुल, और सुबह से ये लोग भी बैठे हुए हैं। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा भी कौन इसके पीछे है और क्या कारण है, कोई कैश का है, लूट का है, या कोई मर्डर के पर्पज़ से आए थे। वी डोंट हैव द नॉलेज अबाउट ऑल दीज थिंग्स। वो इन बच्चों के साथ जो कोई आते जाते हैं जो भी है, उनसे ही पता लग पाएगा भी क्या सिस्टम है, क्या इनका आना जाना था। तो पता लगा भी इन्वेस्टिगेट हो रही है, बॉडीज दे हैव ऑलरेडी टेकन टू द हॉस्पिटल फॉर अ पोस्टमार्टम। तो उसके बाद अब देखते हैं, जो भी हमें मिलेगा तो वही बता पाएंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ कुछ पता चला कि आज मृत्यु हुई थी या परसों रात में हुई? ये अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही नहीं आई, वही इसको क्लियर कर पाएंगे भी वेदर इट इज़ ऑलरेडी टेकन 24 hours, 36 hours और 48 hours। एट द मोमेंट आई कैंट से एनीथिंग। तो आप लोगों के परिवार में कोई किसी से विवाद चल रहा था या कोई झगड़ा? हमें तो है नहीं, क्योंकि हम दूर रहते हैं, हमें इस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है। बाकी बच्चों से इन्वेस्टिगेट कर लिया है पुलिस वालों ने, ये भी आउट ऑफ स्टेशन थे, दे केम इन द मॉर्निंग एट 3 o'clock, तो उसी समय इन्होंने देखा तो इन्फॉर्म कर दिया पुलिस को। तो अब देखते हैं, बाकी ये लोग लगे हुए हैं काफ़ी देर से, अपना मॉर्निंग से ही है, अपना जो भी इनकी फॉर्मेलिटीज़ हैं दे आर डूइंग देयर फॉर्मेलिटीज़। अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, जैसे ही हमें बॉडी मिलेगी तो क्रिमेशन के लिए वी आर वेटिंग फॉर दैट। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पर तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ पर जांच कर रहे हैं, यहाँ पर घर का घिराव कर दिया गया। जैसा कि इनके परिजन बता रहे हैं कि इनके घर में कोई मौजूद नहीं था, दो महिलाएं थी, उनकी हत्या कर दी जाती है। अभी भी जांच चल रही है, ये नहीं पता चला है कि कब मृत्यु हुई थी, किसने हत्या किया और इसमें कौन कौन शामिल है। आपकी इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ मैं दिव्यांशु, झलको दिल्ली।